केरल में इस बार कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसका जख्म शायद कभी ही भर पाए। केरल के वायनाड में जिधर नजर जा रही है उधर बस तबाही का मंजर ही दिख रहा है। वायनाड में हुए भूस्खलन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। लोगों को खोजने का काम जारी है। राहत बचाव कार्य भी जोरों पर चल रहा है। चल रहे बचाव अभियान में 78 नौसेना कर्मी शामिल हैं। टीमों को चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्र के कई स्थानों पर तैनात किया गया है और वे आपदा राहत एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए नोएडा में निर्मित ड्रोन को वायनाड भेजा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वायनाड में रेस्क्यू कर रहे इस ड्रोन की क्या खासियत है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्रोन का नाम डिबॉट्स यानी ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है। ये सिस्टम मिट्टी और पानी में 30 मीटर की गहराई तक हीट सिग्नेचर को पकड़ने में सक्षम है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार ड्रोन में इनबिल्ट डीप सबसाइल स्कैनर तकनीक है और ये मलबे में फंसे किसी भी जीवित व्यक्ति को पहचानने में मदद कर सकता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर सकता है। ये सिस्टम मिट्टी और पानी दोनों में 30 मीटर की गहराई तक हथियारों के भंडार, खदानों, सुरंगों, शवों और अन्य दबी हुई चीजों का पता लगा सकता है। बता दें कि प्रभावित लोगों को भोजन की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक टीम को नदी के पास भी तैनात किया गया है, जबकि अन्य टीमों को जिंदा बचे लोगों की खोज, मलबे को साफ करने और शवों को बरामद करने के लिए तैनात किया गया है। घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चूरलमाला में एक मेडिकल सेटअप है। 3 अधिकारियों और 30 नौसैनिकों की एक टीम ने 1 अगस्त को भूस्खलन से अलग थलग पड़े चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्रों को जोड़ने वाले नदी के बेली ब्रिज को बनाने में भारतीय सेना के प्रयासों में साथ दिया। नदी पर बना ये पुल भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही और आपूर्ति के लिए काफी अहम है।